आखिर मजदूरों की मांग के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा। चंद ही सही, लेकिन सरकार को स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी। मजदूर दिवस यानी 1 मई शुक्रवार को रात केरल के लिंगमपल्ली से करीब 1200 मजदूरों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन रांची पहुंच गई। इसके साथ ही 4 अन्य ट्रेनें भी चलाई गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार केरल के अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया के लिए ट्रेनें चलाई गईं। रविवार तक 1110 मजदूरों को लेकर एक ट्रेन भुवनेश्वर पहुंचेगी। हर ट्रेन में 24 कोच लगाए गए थे और एक कोच में 72 की बजाय करीब 54 यात्रियों को बैठने दिया गया। लिंगमपल्ली से रवाना करते हुए प्रशासन ने इन मजदूरों को रास्ते में खाने पीने के लिए सामान दिए। रेलवे ने कहा है कि इन यात्रियों को खाने पीने का इंतजाम रेलवे की ओर से किया जाएगा। एक दिन पहले तक सिर्फ विशेष बसों से मजदूरों को भेजने पर अड़ी मोदी सरकार ने आनन फानन में नई गाइडलाइन जारी कर रेलवे को ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी। लेकिन ये गाइडलाइन तब सामने आई जब रांची से ये पहले ही सूचना जग जाहिर हो गई थी कि ट्रेन चलने वाली है। ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी और सिर्फ उसे कानूनी जमा पहनाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, सिर्फ 5 ट्रेन चलाने का क्या मतलब है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के 1 महीने गुजर गए हैं और ट्रेड यूनियनें और मजदूर स्पेशल बसें और स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करने की मांग भी बढ़ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से एयरबस 777 या A380 जैसे बड़े हवाई जहाज इस काम में लगाने की मांग कर रहे हैं। हवाई अड्डों पर सारे इंतजाम हैं और सभी पैसेंजर की स्क्रीनिंग करने की सुविधा है। आने वाले समय में मोदी सरकार को स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जैसा हर काम गोपनीय होता है इस सरकार में, इस बारे में भी रहस्य बनाए रखा जा रहा है।